11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर होने के बाद बीएड अभ्यर्थियों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक बीएड अभ्यर्थियों को लगातार तगड़े झटके लग रहे हैं। अब की जो झटका है वो सीटेट 2023 रिजल्ट को लेकर और सीटेट 2022 के प्रमाण पत्र को लेकर लग चुका है। पूरी अपडेट पर ऑफिशियल जानकारी देंगे, उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए ताकि बीएड जगत की हर एक अपडेट आप पा सकें। सही से और सटीक जानकारी के लिए, विस्तार से अपडेट के लिए वीडियो को पूरा ही देखिएगा। कोर्ट नंबर 35 से ये अपडेट है, जो कि रिट है 13837/2023। शकील खान के माध्यम से ये अपील दायर की गई है यूनियन ऑफ इंडिया एंड टू अदर के लिए, ठीक है। और ये जो मामला है ये गया है विकास सर की बेंच में, और इस मामले पर जो सुनवाई हुई पिछली वो बहुत ही चौंकाने वाली हुई, क्योंकि दोस्तों ये देखिए ऑर्डर आया है, पिछली सुनवाई 21/8/2023 को हुई और अब जो फाइनल सुनवाई होगी वो 6/9/2023 को होगी एज ए फ्रेश केस। साथ में इसमें 15/12/2022 वाली जो अपील है प्रतीक मिश्रा एंड फॉर अदर्स की, स्टेट यूपी वाली टू अदर्स की, ये सभी ऐड हो चुकी हैं। इसी में सब ये मामला अब ऐड हो चुका है, शकील कुमार वाला भी, ठीक है। अब इससे हुआ क्या है कि यहाँ पर जो मांग की गई है बहुत ही सैड न्यूज़ है वो बीएड के लिए, कि जो 2023 का सीटेट रिजल्ट हुआ है इसमें जो परिणाम आने वाला है उसमें बीएड अभ्यर्थियों का परिणाम रोक दिया जाए। साथ में सीटेट 2022 वाला जो परिणाम जारी हुआ है उसमें से भी बीएड को बाहर किया जाए, उनके प्रमाण पत्र को अनवैलिड किया जाए। ये मांग की गई है, इसमें प्रे की गई है और इसी को लेकर यहाँ पर मैटर को फिक्स किया गया है अगली तारीख के लिए, और यहाँ से यह रिलीफ मिलने की संभावना 99% है, जो यहाँ के पैरवीकार हैं उनके माध्यम से अपडेट दी गई है। तो 6 सितंबर को बीएड अभ्यर्थियों को बहुत तगड़ा झटका लग सकता है सीटेट 2022 और 23 दोनों से 1-5 के लिए। जी हाँ, तो ये बहुत बड़ी अपडेट है, फिलहाल इंतज़ार करते हैं 6 सितंबर का और वहाँ से जो चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो भी ऑर्डर आएगा उसकी हम लेटेस्ट अपडेट आपको देंगे।